Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. पापा, आपको क्या हो गया? मैं तो आपका इंतजार कर रही थी, अब मुझे लेने आई नहीं। पापा, आप निम्रा को बुला रहे हैं? अब वक्त आ गया है कि इस घर का और जायदाद का बंटवारा होना चाहिए। तुमने अपनी खाला को बताया नहीं कि हम बाहर से आए हुए लोगों को अपने घर में बोलने की जरूरत नहीं देते? दो टके की औरत मुझे मेरे घर से क्या निकालेगी? इसे तो मैं निकालूंगी अपने घर से, और ऐसा निकालूंगी कि दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगी। भाभी देख लो भाई, वही दो कपड़े लेकर जा रही हूँ जो आजान ने मुझे कभी लेकर दिए थे। अभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी? मुझे जाना होगा अनमोल, क्योंकि मुझे अब फील होने लग गया कि मैं और मेरी फैमिली इस घर पर बोझ बनते जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं भाभी, आप इस घर पर बोझ नहीं है। वो बस खाला मुझे थोड़ा बिजी देख कर परेशान हो गई। क्यों, तुम्हारी खाला को तुम बिजी हो ये नजर आ गया, और मैं जो सारा दिन ऑफिस में बिजी रहती हूँ वो दिखाई नहीं देता? मैं अब यहाँ पर नहीं रुकूंगी अनमोल, और खास तौर पर तब तक जब तक तुम्हारी खाला यहाँ पर है। भाभी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें, आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगे और फिर खाला कुछ ही दिन में चली जाएंगी। मुझे साफ दिखाई दे रहा है अनमोल, तुम्हारी खाला तुम पर और इस घर पर खूब हक जमा रही है, तो जमाने दो ना। किसी का कोई हक नहीं है इस घर पर, सबसे ज्यादा हक सिर्फ और सिर्फ आपका है। आप अजान की पहली बीवी है, मैं जिसकी बीवी थी वो तो इस दुनिया से भी चला गया। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट समझ लें, आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। मैं खाला से खुद बात करूंगी, आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तुम कहती हो तो मैं मान जाती हूँ। थैंक यू भाभी। मुझे निकालने चली थी, अब तुम्हें तुम्हारी बेटी निकालेगी घर से। अनमोल बेटा, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही। मैंने नायाब को तुम्हारे बारे में बताया था, वो भी सुनकर परेशान हो गई। कह रही थी खाला अनमोल को अपने साथ ले आओ, वो हमारे साथ रह लेगी, मगर मैंने उससे मना कर दिया। मैंने कहा अनमोल का शामिल खो गया है, और जब तक वो उसे तलाश नहीं कर लेती वो कहीं नहीं जाएगी। हाँ, न जाने कहाँ खो गया है। और मेरी अनमोल भी तो खो गई, वो कब मिलेगी? आपकी अनमोल खोई नहीं है, बिखर गई है अपनी ही जात में। मैं खुद को समेट लूंगी, पर एक बार मुझे मेरा शामिल तो मिल जाए। कब तक ढूंढूंगी शामिल को, कब तक तलाश करूंगी उसे? जब तक नहीं मिलेगा मैं उसे तलाश करती रहूंगी, और शामिल जब तक नहीं मिलेगा मेरी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। मगर बेटा प्लीज खाला, आगे कुछ मत कहें, मैं तुम्हारी ये हालत नहीं देख सकती। अगर आप मेरी ये हालत नहीं देख सकती तो आप इस घर से चली जाएं। क्या कह रही हो तुम? तुम अपनी खाला को इस घर से जाने का बोल रही हो? तुम अपने आप को नहीं बदलोगी? मैं बदल लूंगी अपनी हालत, मैं संभाल लूंगी, समेट लूंगी खुद को, बस मुझे एक बार मेरा शामिल तो मिल जाए। मैं इस घर का, इस खानदान का हिस्सा हूं, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप परेशान हो। मेरी बात को समझे, आप प्लीज यहां से चली जाए। खाला प्लीज। अजान खाला जा रही है। Thank you.
मैं उन्हें कैसे रोकूं? वो खुद ही नहीं रुकना चाहती तो। आज़म, मैं जा रही हूँ। आप ऐसे कहाँ जा रही है? मैं ड्राइवर को कहती हूँ, वो आपको ड्रॉप कर देगा। तुम ड्राइवर को बुलाओगी? ड्राइवर और ये घर तो फरियाल के ऑर्डर से चलते। अगर तुमने अपनी हालत ना बदली ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम बसों में सफर करो। शामिल को तलाश करते करते अगर तुमने अपने आप को खो दिया तो सोचो शामिल का क्या होगा जब उसे ऐसी मां मिलेगी। खैर छोड़, अजान बेटा मैं चलती हूँ। चलें, आपको रूम में ले जाती हूँ। अरे आजान की टांगे कब्र में नहीं है, बल्कि वो बेचारे तो खुद कब्र में जा लेते हैं, बस मिट्टी डालने की देर है। हाँ, अनमोल से पेपर्स तो मैंने साइन करवा लिए हैं, मगर क्या है ना कि फॉरेन अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे आने में थोड़ी सी देर लगेगी। उसके बाद अनमोल की हालत एक भिखारन जैसी हो जाएगी, जो अपने बच्चों को लेकर लोगों से भीख मांगती करेगी। ठीक है, बाय। भाभी, भाभी, भाभी क्या हो गया? भाभी आंखें खोले, भाभी, भाभी आंखें खोले, भाभी। अजान आप परेशान मत हो, भाभी की सांस चल रही है। रजिया, माजदा जल्दी आओ, जल्दी आओ, भाभी, जल्दी आओ, काम भर गए सबके सब। भाभी, थैंक गॉड, आपकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं। अनमोल, एक काम करो, तुम ना भी घर चली जाओ और जाके अजान से कहो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बहुत परेशान हो रहे होंगे। भाभी आप परेशान मत हो, बस एक आध दिन में आपको भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। नहीं अनमोल, प्लीज़ तुम पहले घर चली जाओ, आसान बहुत खुश होंगे। उनकी जिंदगी में बहुत सारे दुख और बीमारियां आ चुकी हैं, मैं चाहती हूँ कि उन्हें कोई तो खुशखबरी की न्यूज मिले। कितनी मोहब्बत है ना आप दोनों में, खुदा करे ये मोहब्बत ऐसे ही सलामत रहे। आप परेशान मत हो, आप कहती हैं तो मैं चली जाती हूँ, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। तुम्हारा बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है आसान, अपने बच्चों की सर से मैं बाप का साया छीन कर रहूंगी, बहुत दर्दनाक मौत होगी तुम्हारी। आप जानते हैं भाभी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं।
परेशान क्यों हो? भाभी बिल्कुल ठीक है। मैंने बीमारी की हालत में जो दुआएं मांगी थी अल्लाह मियां ने सुन ली है। भाभी बिल्कुल ठीक हो गई है, अब हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना? ठीक है, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। आपने कुछ खाया? आप यहाँ बैठे, मैं कुछ खाने के लिए देखती हूँ, फिर आपको लेकर जाऊंगी हॉस्पिटल। ठीक है, की तबीयत अब बेहतर है, अब आप इन्हें कर ली जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। भाभी थैंक गॉड आप ठीक हैं, वरना मैं तो डर ही गई थी, इतनी जोर से गिरी थी आप। भूल जाओ, माजी में जो भी हुआ है उसे भूल जाओ, क्योंकि मुझे माजी को भुलाना बहुत अच्छे से आता है। अच्छा, मैं सारे बिल्स क्लियर करवा कर आती हूँ, फिर हम घर चलते हैं। ठीक है, बेटा। आप इतने बड़े हादसे के बाद आप बच गए, इसमें सिर्फ और सिर्फ अजान की दुआओं का असर है। मैंने सुना था कि बीमार इंसान अल्लाह के बहुत करीब होता है, मगर आज देख भी लिया, अजान की दुआओं ने आपको बचाया है। अजान की और मेरी मोहब्बत मिसाली है, मैं अजान के बगैर और अजान मेरे बगैर नहीं जी सकते। क्यों अजान? ठीक कह रही हूं ना मैं? अनमोल, मुझे अजान से कुछ प्राइवेट बातें करनी है, हमारे लिए चाय बना के ले आओ। जी, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। देखा तुमने, तुम्हारी बीवी कैसे मेरे हुक्म की गुलाम है। इसी की वजह से धक्का दिया था ना तुमने मुझे, इसी की वजह से गिराया था ना तुमने मुझे। बोलो। अरे अरे अरे, इतना इतना जोर मत लगाओ, क्या जरूरत है इतना जोर लगाने की? हाँ, तुम्हारी माँ ने भी इतना ही जोर लगाया था, देखा नहीं उसका हाल? हाँ? अब तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, क्योंकि मेरे पास पूरा राइट है तुम्हें जान से मारने का। पहले तो मुझे सिर्फ तुमसे नफरत थी आजान, अब तो तुम मुझे पूरे के पूरे जहर लगते हो। अब मेरे पास इतनी दौलत जो है, और होती भी क्यों ना, भाभी चाय। डॉक्टर ने कहा है कि आपको अभी भी आराम की बहुत जरूरत है, दवाई टाइम पर लेते रहिएगा। वैसे तो मैं हूं ही, लेकिन आप भी थोड़ा ख्याल रखिएगा।
मुझे दवा दे रही हो और मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें जहर दे दूं। क्या सोच रही है भाभी? सोच रही हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत का बदल कैसे दूंगी। भाभी आपने मेडिसिन खाई है, मेरे ख्याल से आपको आराम करना चाहिए। तुम मुझे भाभी मत कहा करो। वैसे भी अब तुम मेरी सौतन हो। रिश्ता बदल लेने पे मोहब्बत और एहतराम तो नहीं बदलता ना। तुम्हें धोखा देने वाला भी हैरान होता होगा अनमोल कि वो तुम्हें धोखा कैसे दे। मुझे धोखा देकर किसी को मिलेगा भी क्या? भाभी कुछ पैसे मेरे पास भी होने चाहिए, घर के खर्च के लिए और अजान के ट्रीटमेंट के लिए। आप प्लीज मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डलवा दें। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। देखती हूँ से क्या मतलब है भाभी का?